इतना नहीं बोलना चाहिए। रविवार यानी कि आज मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां मद्य निषेध उत्पादन व निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए आज भागलपुर शहर के 15 परीक्षा केंद्रों पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। ऐसे में परीक्षार्थी अपने केंद्रों में प्रवेश कर रहे थे, इसी दरमियान कुल 78 मुन्ना भाई को पुलिस ने ब्लूटूथ के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही कई परीक्षा केंद्रों पर एक दूसरे की जगह पर परीक्षा देते भी परीक्षार्थी दबोचे गए। पकड़ाए सभी परीक्षार्थियों से पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि कई युवक के पास एक ही तरह के ब्लूटूथ मिले हैं, तो कई परीक्षार्थी दूसरे के बदले परीक्षा में बैठे हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभी परीक्षार्थी किसी सरगना से ताल्लुक रखते हैं। सुनिए इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक। आज सिपाही भर्ती बोर्ड द्वारा मद्य निषेध के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। मद्य निषेध विभाग के लिए उसमें सिपाही रैंक के लिए बहाली थी। सूचना मिली थी, कल से ही हम लोग प्रयासरत थे कि कुछ रैकेटियर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेंगे या स्कॉलर बैठाएंगे। वो कल से ही काम चल रहा था जिला में और आज उसकी परिणति सामने आई। हमारे क्षेत्र में 5 जगह से कुल 36 आदमी पकड़ा गया है। इसमें गया कॉलेज में है, गया कॉलेज, चंदोटी हाई स्कूल और अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में ज़्यादा संख्या में ब्लूटूथ के साथ परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। बाकी 2 सिविल लाइन से और 1 कोतवाली से। किस तरह का ब्लूटूथ है, कहाँ ब्लूटूथ डिवाइस है? इसको कनेक्ट करता है एक ऑपरेटर से जो साथ में कहीं पे रखता है छिपा करके और कान में लगा करके रखता है, उससे साउंडलेस रहता है। उस ऑपरेटर में वो वन साइडेड उधर से बोलते जाता है या लोग अपना आंसर लिखता है, उसी में पकड़ा गया है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अब तो जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को जेल भेजा जाएगा और फिर अनुसंधान किया जाएगा। जो इसके हेड हैं, जो इसको सप्लाई करता है, उस वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। डॉक्टरों की मदद से भी निकाला गया है? डॉक्टर के मदद से भी, एक तो वहाँ अनुग्रह मेडिकल कॉलेज जाकर निकाले, फिर वहीं पे हम लोग को डॉक्टर को बुलाए थे परीक्षा केंद्र पे भी, और वहाँ उनके मदद से ही निकाला। ऐसे संभव नहीं था, कुछ तो निकल सकता था लेकिन कुछ बहुत अंदर चला गया था, जो अकेले हम लोग के स्तर से या उनके स्तर से संभव नहीं था। आप लोग के प्रयास से ये तो लोग पकड़े गए हैं, तो क्या इसका कोई रैकेट पता लग पाया है, कहाँ के लोग हैं? हाँ हाँ, बताया है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक युग में तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है ना, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। केंद्र की भी संलिप्तता इसमें दिखती है क्या? नहीं, जहाँ से ये पकड़े गए हैं वहाँ की संलिप्तता अभी तक नहीं है। लोग कैसे कर पाए अंदर, जो वही जांच पड़ताल नहीं हुई? एटीएम जो उसका ऑपरेटर है ना, वो मोबाइल के शक्ल में है लेकिन बहुत छोटा है, और एटीएम कार्ड की तरह भी बहुत लोग बनाए हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि सेम आज एटीएम है, थोड़ा सा उसका चौड़ाई मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा है, उसी में सिम इंसर्ट किया हुआ है, तो उससे बिछक देखा होगा कि एटीएम कार्ड है, छोड़ दिया होगा, लेकिन केंद्र की अभी तक कोई संलिप्तता नहीं आई है। कितने छात्रों का ऑपरेशन करके निकाला गया है? ऑपरेशन नहीं किया गया है, वो चिमटा टाइप का रहता है ना, वो उधर से खींच लेता है। ऑपरेशन किसी का नहीं किया गया है। वही मैं सारी जो बातें हैं उससे हम लोग पूरा पूछताछ कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस है, कहां से लाया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो सुना आपने, इस दौरान कुल 15 परीक्षा केंद्रों में से एक केंद्र से 78 नकल करने वाले और ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में पकड़ाए हैं। इसमें भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, पूर्णिया, कटिहार के परीक्षार्थी को नकल करते और ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ जारी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा के इंतजाम के बीच ऐसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे?